उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बहराइच में मृतक किसान के परिवार जो है वो मांग कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग पर अड़ा हुआ है किसान का परिवार। मृतक किसान के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है। अब तक दाह संस्कार नहीं किया गया है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की गई है और फिर दाह संस्कार होगा। बहराइच में मृतक किसान के परिवार की मांग है कि उन्हें पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तभी दाह संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना में 9 लोगों की मौत हुई जिनमें से 4 किसान हैं। और इसी मामले को लेकर कल सरकार और किसानों के बीच एक समझौता हो गया था जिसमें अंतिम संस्कार की बात भी मानी गई थी, लेकिन अब परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाए फिर दाह संस्कार किया जाएगा। और इस बीच सोशल मीडिया पर लखीमपुर के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं और ये वीडियो सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले वीडियो में भीड़ सड़क से गुजरती एक कार को रोकने की कोशिश करती नजर आती है। दूसरे वीडियो में जो गाड़ी भीड़ से होकर गुजर रही है उस गाड़ी का शीशा टूटा हुआ नजर आता है। तीसरा वीडियो अगर आप देखें तो कुछ लोग गाड़ी से उतरकर भागते हुए नजर आते हैं, वो भीड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा वीडियो जो है गाड़ी को सैकड़ों की भीड़ घेरे खड़ी हुई है, नारेबाजी कर रही है, काले झंडे दिखा रही है। तो 3 अक्टूबर की घटना के 4 वीडियो सामने आ रहे हैं और इन 4 वीडियोज के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इनमें से एक वीडियो को पोस्ट किया और इस वीडियो को पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। देखिए अब एक एक करके आपको सारे वीडियोस दिखाते हैं। हम आपको पहले ही बता दें कि इन वीडियोस की हम पुष्टि नहीं करते। यह पहला वीडियो है जिसमें आपको नजर आता है कि एक गाड़ी लोगों को रौंदती हुई आगे निकल जाती है। इस गाड़ी के पीछे एक दूसरी गाड़ी भी आ रही है, अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। ये इस घटना का पहला वीडियो है। इसी वीडियो को प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्वीट कर रही हैं और कह रही हैं कि इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि 30 सेकंड के वीडियो से कहीं समझ में नहीं आता कि गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी का जो सामने का शीशा है वो कैसे टूटा हुआ है ये भी समझ में नहीं आता। ये एक और वीडियो है, देखिए भीड़ के बीच से गाड़ी गुजर रही है और इस गाड़ी पर लाठी डंडे के जरिए हमला किया जा रहा है। तेजी के साथ गाड़ी इस भीड़ से होकर निकलती है लेकिन आसपास बड़ी संख्या में लोग हैं, लाठी डंडे से इस गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की जाती है। यह दूसरा वीडियो वायरल वीडियो, एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ और इस गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। यह तीसरा वीडियो देखिए, गाड़ी से उतरकर कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं, हालांकि चेहरा किसी का साफ नजर नहीं आता और इस वीडियो को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इस गाड़ी में कौन सवार था, लेकिन गाड़ी से उतरकर कुछ लोग भागते हुए यहां पर नजर आते हैं। यह भी इसी घटना का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। हम फिर आपको बता रहे हैं कि हम इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करते हैं। लखीमपुर की घटना 3 अक्टूबर की घटना जिसे लेकर 2 पक्ष हैं। अब इस घटना को लेकर कुछ वायरल वीडियोज सोशल मीडिया पर हैं और उन्हीं के आधार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो में प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर नजर आते हैं, गाड़ी का सामने का शीशा टूटा हुआ नजर आता है, गाड़ी कुछ लोगों को रौंदती है, गाड़ी से उतरकर कुछ लोग भागते हैं। और यह चौथा वीडियो देखिए इस घटना का, काले रंग की कार यहां पर खड़ी हुई है और इसके आसपास सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और एक और वीडियो भी आप देखिए, यहां भी भीड़ नजर आती है, भीड़ के बीच से होकर गाड़ियां गुजरती हुई नजर आती है, प्रदर्शनकारी हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ ये प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं और बीच से ये गाड़ियां होकर जब गुजर रही हैं तब नारेबाजी हो रही है।
तो लखीमपुर हिंसा को लेकर सियासी बवाल जारी है। सीतापुर में पुलिस हिरासत में रखी गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री के नाम एक वीडियो जारी किया है और लखीमपुर हिंसा से पहले किसानों को जीप रौंद देती है ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है। और इस वीडियो में एक जीप आगे बढ़ रहे किसानों को पीछे से टक्कर मारती है ये दिखाया गया है। वीडियो जारी कर प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर सवाल उठाती हैं। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना, जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है, जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। प्रियंका गांधी वाड्रा गिरफ्तार हो गई हैं। पुलिस ने कोर्ट को प्रियंका की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। धारा 151, 107, 116 के तहत प्रियंका की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी का वक्त 4 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे बताया गया है। प्रियंका के लिए PAC गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बना दिया गया है। अब तक खबर ये थी कि उन्हें हिरासत में रखा गया है, लेकिन उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कोर्ट को प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी की जानकारी दे दी है और जो PAC गेस्ट हाउस है उसे अस्थाई जेल बनाया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है। कहा है कि बीजेपी राज में इंसाफ नहीं मिल सकता। जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है कि वो न्याय दिलाएं, इसलिए हमारा किसानों से अपील है कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकें। जिस तरीके से घटना हुई है और जो नाम आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, या जो वहां पर मौके पर लोग थे, उन सब ने उंगली उठाई है गृह राज्य मंत्री के बेटे पर। गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथ उनके साथियों की गाड़ी सीधी आकर के किसानों के ऊपर चढ़ गई और उसी का परिणाम ये होगा किसानों की मृत्यु हुई है। अगर कोई दोषी है, किसी को जेल जाना है, तो वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके साथी जितने भी जेल जाएं। और जब तक गृह राज्य मंत्री खुद हैं मंत्री, तो कैसे संभव है कि पुलिस उनके घर में घुस जाएगी? इसलिए गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और कम से कम आज ये प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चलाई है। और लखीमपुर हिंसा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि यूपी में जलियांवाला बाग जैसी स्थिति है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रियंका की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। तरफ मंत्री के काफले में उसके बेटे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। और किसानों से मिलने जा रही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी को बिना गिरफ्तारी वारंट के 28 घंटे 30 घंटे से ऊपर उसको गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। तो ये कैसा कानून है कि जो यदि पीड़ित परिवार से मिलने जाए, संवेदना व्यक्त करने जाए, उसे न्याय की गुहार करे, उसे गिरफ्तार करो, और जो अपराधी है
जो आरोपी है उसको आप खुलेआम छोड़ के रखे हैं और अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या बात है। आजादी का अमृत महोत्सव और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, उसी उत्तर प्रदेश में। ये जलियांवाला बाग में जिस तरह से फायदा की गई थी उस तरह की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, वो इसकी जबरदस्त कीमत आज ने कल उन सरकार को देनी पड़ेगी। लखीमपुर हिंसा पर सियासत तेज है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने कहा है कि FIR का हक देश में सबको है, जबकि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। ये जो भी मुकदमा लिखा गया FIR, हमारे देश में कानून का राज है, FIR कराने का हक सबको है, FIR उन्होंने कराई है, एविडेंस कनेक्शन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जांच धाराओं में FIR है, संगीन धाराओं में किसी भी धारा में FIR हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीजें स्पष्ट कर रही हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा जो आज भी आपके साथ मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनको बर्खास्त कीजिए। उन पर, उनके पुत्र पर और भाजपा के लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।